और मेरा नाम है सुफियान अली खान। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आधार कार्ड को लॉक और अनलॉक कैसे करें। आधार कार्ड का बायोमेट्रिक आपको जो फिंगर है, आप फिंगर को स्कैन करवाते हैं या सिम लेने वक्त या फिर अपना AEPS के माध्यम से, आधार कार्ड के माध्यम से पैसा निकालने वक्त क्या होता है कि आप किसी फ्रॉड का शिकार ना हो, इसलिए आप सावधानी बरतें। तो उसे लॉक कैसे कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आ जाना है मुझे आधार की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे देखिए, मुझे सर्च कर लेना है गूगल क्रोम में आधार कार्ड। तो ये देखिए, पहला ऑफिशियल वेबसाइट ये देखिएगा, होम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो। तो ये इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो गया। वेबसाइट जब कंप्लीट ओपन हो जाए तो उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे माई आधार वाले सेक्शन। माई आधार वाले सेक्शन में आने के बाद देखिएगा आपको गेट आधार, अपडेट आधार, आधार सर्विस। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, आपको दिखाई दे रहा है आधार लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक। तो इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो इस वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको ये एक नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आई अंडरस्टैंड दैट आफ्टर बायोमेट्रिक लॉक इनेबल आई विल नॉट परफॉर्म बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनटिल अनलॉक बायोमेट्रिक। मतलब ये कह रहा है कि आप अब तक मतलब बायोमेट्रिक फिर नहीं दे सकते जब तक इसे आप अनलॉक नहीं करें। यहाँ पर के लिए, इस सर्विस के लिए सबसे पहले आपके आधार में एक मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता है कि आपके आधार कार्ड में कौन सा नंबर लिंक है या नहीं, तो आप मेरे चैनल पर एक वीडियो होगा, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं अपना आधार नंबर डाल लेता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा बड़े ध्यान से डाल लेना है। यहाँ कैप्चा को बड़े ध्यान से आप डाल लीजिएगा। कैप्चा कई बार बहुत, अगर ना आपको कैप्चा नहीं समझ में आए तो यहाँ से आप रिफ्रेश कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे कैप्चा मैंने रिफ्रेश करके आपको दिखा दिया, न्यू कैप्चा यहाँ पे आया मुझे। आप उसे बड़े आसानी से सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। और देखिए, यहाँ पर OTP सेंड टू रजिस्टर मोबाइल नंबर, प्लीज चेक योर मोबाइल। तो आपको रजिस्टर नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। तो देखिए, मुझे यहाँ पे मेरे रजिस्टर नंबर पे OTP प्राप्त हो गया। मैं यहाँ पे OTP OTP डालने के बाद देखिए सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद देखिए, लॉकिंग फीचर, इनेबल लॉकिंग फीचर। तो यहाँ पर जब आप क्लिक कीजिएगा इनेबल लॉकिंग फीचर, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका आधार कार्ड और बायोमेट्रिक इज सक्सेसफुली लॉक लॉग इन अगेन। अब हम कैसे जानेंगे कि मेरा आधार कार्ड का बायोमेट्रिक लॉक है कि नहीं? तो इसके लिए आपको किसी स्टोर या किसी दुकानदार के पास जाना है, और जहां से आप आधार कार्ड में से पैसे निकालते हैं वहां जाके आप चेक कर सकते हैं, या फिर खुद से भी चेक कर सकते हैं, उसको मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि इसको चेक करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना DigiPay ओपन कर लूँ। DigiPay एक AEPS सर्विस है, जैसे कि माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं बैलेंस इंक्वायरी, अपने अकाउंट्स का बैलेंस इंक्वायरी करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पे स्टेट बैंक अपना सेलेक्ट कर लिया हूँ और अपना आधार नंबर डाल रहा हूँ। आधार नंबर डालने के बाद आपको आई एग्री टू एक्सेस माई ये और टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद स्कैन फिंगर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक डिवाइस में लाइट चलेगा, उसके बाद आपको वहाँ फिंगर देना है। और यहाँ पर देखिए, रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेस आ रहा है, आपको वेट कर लेना है कि रिजल्ट तक क्या लिखा रहा है। यहाँ पर देखिए, बैलेंस या नाउ, यहाँ मैं से आपका आधार कार्ड कम्प्लीटली वर्क नहीं कर रहा है। कई बार क्या यहाँ पर लिखा है आपका आधार लॉक है, तो यहाँ पर कम्प्लीटली काम नहीं कर रहा।
अब इसी फीचर को अनलॉक करने के लिए आपको फिर से वापस आ जाना है आधार की वेबसाइट पे। तो मुझे आ जाना है कम्प्लीटली, और मुझे जाना है फिर से लॉक अनलॉक वाले बायोमेट्रिक सेक्शन में, और यहाँ पे क्लिक कर देना है। आपको फिर से यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। आपको अपना आधार नंबर फिर से डाल लेना है। के बाद कैप्चा को आप डाल लीजिएगा, डालने के बाद कैप्चा को आपको यहाँ सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे मुझे ओटीपी प्राप्त हो गया है, तो मैं ओटीपी डालने जा रहा हूँ। ओटीपी डालने के बाद देखिए सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा लॉगिंग फीचर, यहाँ पर दो सेक्शन दिखाएगा, अनलॉक माई बायोमेट्रिक और डिसेबल दिस फीचर। तो आपको करना है डिसेबल दिस फीचर, डिसेबल लॉकिंग फीचर। इस वाले ऑप्शन को करने के बाद यहाँ पर एक आपको एक सक्सेसफुली मैसेज दिखा रहा है, वो बायोमेट्रिक लॉक डिसेबल सक्सेसफुल। अब आपको फिर से अगेन मैं आ जाता हूँ अपने डीजी पे पर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है अपने बैंक अकाउंट पर, और यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डाल लीजिए। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे आई एक्सेप्ट वाले पर क्लिक कर देना है टर्म एंड कंडीशन आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। उसके बाद आपको फिंगर अपना स्कैन करवा लेना बायोमेट्रिक डिवाइस में। तो यहाँ पर देखिए आपका बैलेंस अगर चेक हो जाता तो ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ देर में वेट कर लेना है, रिक्वेस्ट अंडर प्रोग्रेस यहाँ पर आपको ऊपर में दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर आपका बैलेंस आपका दिख गया, मैसेज आ गया अप्रूवल का, यहाँ पर स्टेटस 00 आ गया यानी डिवाइस कोड, बैंक के नेम और इंक्वायरी सक्सेसफुली, यानी कि ये काम कर रहा है 100% सक्सेसफुली वर्क कर रहा। अगर आप डिसेबल कर देते हैं तो यहाँ पर काम नहीं करता, इनेबल करते हैं तो काम कर जाता आधार का। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।